ड्यू टू सम कॉम्प्लिकेशन फोर्थ वीडियो को डिलीट करना पड़ा, और अब मैं आपको एक नया वीडियो बनाने वाला हूँ। इंडो नेपाल डिस्प्यूट को बाद में फिर से बताया जाएगा, आज हम बात करेंगे हाउ टिकटॉक हैज़ अफेक्टेड इंडिया। चाइनीज़ अपना बिजनेस कैसा करता है वो सब पूरे एक स्पेशल वीडियो में फिर से डिस्क्राइब किया जाएगा, पर आज हम टिकटॉक के बारे में बात करते हैं। टिकटॉक ऐसा प्लेस है जहां आदमी लड़कियों का कपड़ा पहन के चमनिया के जैसा नचता है और उसको 1 मिलियन व्यूज आते हैं। वो ऐसा प्लेटफॉर्म है कि बिना कुछ किए इंसान को पॉपुलैरिटी मिल जाता है। यूट्यूबर्स को घंटे घंटे बैठना पड़ता है, एडिट करना पड़ता है अपने वीडियो को बनाने के लिए, पर टिकटॉक 2 सेकंड बात करो, एक्सप्रेशन दिखाओ, ख़त्म हो जाता है। इतना टिकटॉक पॉपुलर इंडिया में कैसा बना? टिकटॉक का डेंजर साइट्स क्या है? टिकटॉक हमारे डेटा को कैसे अफेक्ट किया? और पूरे चाइनीज ऐप्स कितना डेंजरस है हमारे लिए, आज हम डिस्कस करेंगे। मैं हूं अक्षय और आप देख रहे हैं नेशनल इन्फो क्रिप्टो, और आज हम बात करने वाले हैं टिकटॉक एंड अदर चाइनीज ऐप क्यों बैन हुआ। लेट्स स्टार्ट। इंडिया टुक अ हिस्टोरिक डिसीजन बैनिंग 59 चाइनीज ऐप्स, जिनमें से टिकटॉक एक बड़ा ऐप है। दिस हिस्टोरिक डिसीजन हैज बीन टुक टू प्रोटेक्ट सॉवरेनिटी एंड प्राइवेसी ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। रिसेंटली बहुत ज़्यादा साइबर अटैक्स हो रहे थे अपने बैंकिंग सेक्टर पे, दूसरों के जीमेल अकाउंट पे, और मेनी अदर साइट्स, गवर्नमेंट ऑफिस एंड मेनी अदर साइट्स, वो साइबर अटैक चाइना से हो रहे थे। हाउ वॉज इट पॉसिबल? ये सब चीज़ कैसा हुआ? इसका एक सिंपल आंसर है, डिजिटल पावर। डिजिटल पावर ऐसा चीज़ है कि अगर पर्सन एक ऐप से आपका पूरा इंफॉर्मेशन डेटा स्टोर कर सकता, यही चीज़ चाइनीज़ करती है। नाउ लेट मी गिव दी एग्जांपल, टिकटॉक की ले लेंगे। व्हाट टिकटॉक डस? टिकटॉक बिना पूछे या बिना हमारे परमिशन के हमारा लोकेशन ले लेता है, और वो चीप मार्केटिंग करता है जिसके वजह से लोग उसके सामने अट्रैक्ट हो। एक यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए एक माइक ज़रूरत होता है, एक पेड एडिटर ज़रूरत होता है, एक लाइटनिंग ज़रूरत होती है, और एक अच्छा सा कैमरा ज़रूरत होता है। टिकटॉक को वो सब ज़रूरत नहीं होता, सिंपल एक लड़की का कपड़ा पहनो, बाहर जाओ, चमनिया के जैसा नाचो, व्यूज़ आ जाएंगे। हाउ डू यू गेट व्यूज़ इवन थ्रू यू डू दैट क्रिंज कंटेंट्स? सिंपल आंसर ये है कि चाइना का जो ऐप है या चाइना का जो कंपनी है वो डिसाइड करता है कि कौन सा व्यू देके या कौन सा वीडियो ना देके, किसको व्यू ज़्यादा आए, किसको व्यू ज़्यादा ना आए, दैट इज़ डिसाइडेड बाय द टिकटॉक ऐप। और लोग ये समझते हैं कि वो उनका मेहनत है कि लोग उनको फरकते हैं। नो, दैट्स नॉट एनी वंस मेहनत। एक यूट्यूब में ही एक इंसान को अगर आगे बढ़ना है महीने महीने लगता है, बहुत सारे खर्चे लगते हैं यूट्यूब में आगे बढ़ने के लिए, वही टिकटॉक को 6 मिनट लगते हैं पॉपुलर बनने के लिए। दैट्स जस्ट बिकॉज चाइनीज एल्गोरिदम्स डिसाइड व्हाट यू शुड वॉच, व्हाट यू शुड नॉट वॉच। दैट्स ट्रूथ। इंडिया का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है टिकटॉक का, वो लॉयर्स को हायर कर रहा है कि टिकटॉक वापस आ जा सके। बट सिंपल थिंग, अगर टिकटॉक वापस आ गया तो क्या होगा? वापस वही चीज़ होगी, पर हमारा प्रोटेक्शन, प्राइवेसी जो भी है, हम दाव में लगा रहे हैं। भले ही टिकटॉक का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो इंडिया का मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो ये बोले कि हम किसी से डेटा छुपा नहीं रहे या किसी को डेटा बेच नहीं रहे, सिंपल एंड ईजी थिंग, इट्स रॉन्ग। चाइना का कंपनी उनका डेटा कभी भी कहाँ से भी ले सकता है, दे हैव राइट बिकॉज इट्स देयर कंपनी,
दे कैन टेक डेटा वेन एवर दे वॉन्ट, नो वन कैन स्टॉप देम। तो अब इस सब चीज़ पे हम क्या कर सकते हैं? टिकटॉक वापस आए ना आए, दूसरे चाइनीज ऐप्स वापस आए ना आए, बट एक चीज़ हमें पक्का कर सकते हैं। द थिंग इज, हम हमारा स्किल डेवलप कर सकते हैं। जो भी अब टिकटॉकर्स है या जो भी लोग हैं जो ऐसा क्रिंच कंटेंट बना रहे थे, दे कैन स्टॉप एंड स्टार्ट थिंकिंग टू मेक समथिंग प्रोडक्टिव। और इंडियन सॉफ्टवेयर ऐप डेवलपर्स को अब ऐसा अपॉर्चुनिटी है कि वो चाइनीज ऐप को रिप्लेस करने के लिए बहुत नए स्टेप्स क्रिएट कर सकते हैं, विच कैन बी 10 times बेटर देन चाइनीज ऐप, 10 times प्रोडक्टिव देन चाइनीज ऐप। सो दे कैन मेक अ काइंड ऑफ ऐप विच कैन रियली रियली वर्थ मोर देन चाइनीज ऐप। हम एक मेक इन इंडिया इनिशिएटिव बना सकते हैं, डेवलपिंग ऐप ऑफ आवर ओन कंट्री। सो अगर इस वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, एंड स्टे होम स्टे सेफ। जय हिंद।